जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है उसका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। आज की रेस काफ़ी टफ थी। ट्रैक 107 किलोमीटर का जो था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था क्योंकि पिछले दिन भी जो रेस थी उसकी वजह से। अब पर स्किल का आज पता चला, हुनर का जिसको कहते हैं, गाड़ी को बचाना भी चलाना भी, और उसके अलावा हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी एज ड्राइवर्स यहाँ पर आए थर में 10 साल के बाद, यहाँ के लोगों ने जो वैसे ही बहुत मीठे हैं और अच्छे हैं, हद से ज़्यादा बाहर निकल कर आए। जो हमने भिटों पे लोगों को देखा, हम पहले समझ रहे थे दरख्त हैं, पर जब नज़दीक गए तो हमने कहा ये तो ऐसे पूरा भिट भरा हुआ था लोगों के साथ। तो माशाल्लाह हम आते भी उनके लिए, उन्होंने इज़्ज़त दी हमको, और हम चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि आपने इस दफ़ा बड़ा अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ कराया और ये रेस कराई, इसको हर साल कराएं। तो इस थर का इलाका जो है उस मैप पर आए इंटरनेशनली, क्योंकि इससे बेहतर डेजर्ट कहीं भी नहीं, और यहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग दें, बहुत अच्छी जगह है। ये बड़ा रिस्की खेल है खेल के हवाले से, तो उनके लिए मैसेज यही है कि आप आएँ, आके सीखें, ये बहुत वाइडली रिस्पेक्टेड स्पोर्ट है, सारी दुनिया इसको देखती है, इसका पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज बनता है इससे। जो हमारे बाहर लोगों के साथ जो हमारे दोस्त हैं फॉरेनर्स हैं, वो तो समझते नहीं है कि ऐसा खेल आप यहाँ पे करा सकते हैं, पर जब आके ये डेजर्ट देख कर गए यहाँ पे तो उनका तो होश ही ख़त्म हो गया। वो कहते हैं ऐसा इलाका तो कहीं भी नहीं है, ख़ासतौर इन रेसेस के लिए। तो हम कहते हैं पाकिस्तान का नाम बढ़े, हमारा काम भी यही है, और वो यूथ आए हम उनके हवाले करें, उनको सिखाएं ये काम हो। गवर्नमेंट की तरफ होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जैसे ये मदद की है इस तरीके से, जैसे आप क्रिकेट सिखाते हैं ये करते हैं, इसका भी करें, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी हमारे लड़कों को लेके जाएंगी, तो उसका आप खुद समझते हैं कितना फ़ायदा होगा। ठीक है।